अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वज़ीर-ए-आला ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी 15 पैनिक बटन और लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत तहफ्फुज मंजिल प्रोजेक्ट बारे इजलास। घर से भागे बच्चों को तहफ्फुज और पनाह की फरामी, बेघर खवातीन की मदद के लिए तहफ्फुज मंजिल की काविशों पर तफसीली तबादला ख्याल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अजमो हिम्मत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के एजाज में तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेमिसाल कारकर्दगी पर 11 पुलिस अफसरान और अहलकारों को आईजी गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 74,296 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,354 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 55,912 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,672 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 860 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, आईजी पंजाब और आरपीओ रावलपिंडी के विजन के मुताबिक डीपीओ चकवाल के जिले के तमाम इम्तिहानी मराकज के दौरे। इम्तिहानी मराकज में इंतजामात और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वज़ीर-ए-आला ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पैनिक 15 बटन और लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला के इफ्तिताह के बाद जनूब एशिया में पहली बार लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान भी शुरू कर दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में वज़ीर-ए-आला की खसूसी हदायत पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का दौरा किया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात वुमेन पुलिस अफसरान की वर्किंग का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि लाहौर भर में 50 से ज्यादा मुकामात पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों, मार्केट, चौराहों और बाजारों में नस्ब पैनिक 15 बटन दबाकर फौरन सेफ सिटी से राबता मुमकिन है। इस मौका पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तला सकाफत अजमा जाहिद बुखारी, सेनेटर परवेज रशीद, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और दीगर मुतलिका हुकाम भी मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत तहफ़ुज़ मंजिल प्रोजेक्ट बारे इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में तहफ़ुज़ मंजिल प्रोजेक्ट को वसअत देने और मजीद इकदामात अमल में लाने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि लाहौर की तर्ज पर मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी तहफ़ुज़ मंजिल का क्याम अमल में लाया जाएगा। तहफ़ुज़ मुनाजिल बेघर बच्चों और समाजी मुश्किलात का शिकार खवातीन की मदद में अहम किरदार अदा करेंगी। लाहौर की तहफ़ुज़ मंजिल यतीम, बेघर, बेसहारा बच्चों और मुश्किलात के शिकार खवातीन को मदद और तहफ़ुज़ में मिसाली काम कर रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अजमो हिम्मत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेमिसाल कारकर्दगी पर 11 पुलिस अफसरान और अहलकारों को आईजी गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा। इछरा में खातून को हजूम से बचाने वाली पुलिस टीम के अफसरान और अहलकारों को आईजी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। एसपी शहजाद रफीक एवान, एएसपी सईदा शहर बानो नकवी, एसएचओ इछरा मोहम्मद बिलाल अरबी, एएसआई साजिद मजीद, हेड कांस्टेबल्स उस्मान और अदनान को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। कच्चा क्रिमिनल्स की सरकोबी में शानदार किरदार अदा करने पर राजनपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर साजिद हसन को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहने पर पीएचपी मियांवाली के कांस्टेबल अब्दुल रईस को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। हेड कांस्टेबल हारून रशीद खान शहीद का गैलेंट्री अवार्ड इनके अहले खाना को दिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी के कैसर शहजाद और इमानुल्लाह खान को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। महकमा मौसमियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमू तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 57 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 90, पंजाब यूनिवर्सिटी 83 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 85 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
دل یا دمے کے مریض، بوڑھے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں، روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں، اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں، یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھیلانے والوں کی اطلاع 15 پر دیں۔ صاف ماحول، محفوظ لاہور۔ ڈی پی او چکوال نے ضلع کے تمام امتحانی مراکز کے دورے کیے، امتحانی مراکز میں انتظامات اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی پی او چکوال نے امتحانی مراکز میں طلبہ اور طالبات کو ایمانداری، محنت اور لگن سے پیپر حل کر کے کامیابی سمیٹنے کا کہا۔ ڈی پی او نے امتحانی مراکز میں تعینات عملے کو بھی ایمانداری کی تاکید اور امتحانی سینٹر میں بیٹھے طلبہ اور طالبات سے یکسر سلوک کرنے کا کہا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز۔